नमस्कार, एसडीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के रोशन। आइए देखते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरें। इस बार का विधानसभा चुनाव कराना चुनाव आयोग के लिए भी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है। आयोग की टीम ने 2 दिनों तक राज्य का जायजा लिया और निर्देश दिया है कि सभी क्षेत्रों में निष्पक्ष चुनाव हो सके। सभी वारंटियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीते दिनों बिहार के भाजपाइयों का हौसला इस कदर बढ़ाया कि आज सभी कार्यकर्ता नए जोश से काम कर रहे हैं। उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा था कि भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार को फिर डबल इंजन की सरकार कहकर संबोधित किया है और कहा है कि सभी मुद्दों पर सरकार फेल रही है। तेजस्वी यादव के बयानों के बाद पलटवार करते हुए सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने कहा है कि 15 साल तक बिहार में शासन करने वाले राजद को अब एनडीए सरकार द्वारा किए गए विकास कार्य नजर नहीं आ रहा। बिहार की जनता अब उनके झांसे में आने वाली नहीं है। कोरोना संक्रमण के खिलाफ जारी मुहिम के तहत सहयोग की कामना से गाइडलाइंस भी दिए गए हैं, लेकिन कुछ लोग इसकी अवहेलना करने पर आमादा हैं। राज्य भर में ऐसे 4000 से ऊपर लोगों को उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया गया। लगभग 500 वाहन भी जब्त किए गए हैं। इधर मास्क पहनने की अपील भी लोगों से की जा रही है। चुनावी मैदान में उतरने से पहले केंद्र सरकार ने बिहार के लिए पैकेज दर पैकेज का पिटारा खोल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि केंद्र और राज्य सरकार के साझा प्रयास से ही बुनियादी सुविधाओं का विकास संभव है। उन्होंने कल पुनः 543 करोड़ की लागत की 7 परियोजनाओं की सौगात बिहार को दी है। सूबे के 18 जिलों के शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्ष को अक्टूबर माह से एसबीआई के माध्यम से ही वेतन भुगतान सुनिश्चित किया गया है, इसलिए उन लोगों को बैंक में खाता खुलवाने को कहा गया है। आज केंद्रीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भोजपुर जिले के एनएचपीसी की नियमित गतिविधियों के अंतर्गत कई बेहतरीन कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 3 दिन के लिए सेवा सप्ताह का आयोजन किया गया है। भाजपा खेल मंच द्वारा आयोजित इस समारोह के तहत खिलाड़ियों को दलित बस्तियों में अलग अलग स्थानों पर भोजन होना है। कल भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाएगी। देव शिल्पी के विधिवत पूजन के लिए आज फलों का भाव तेज रहा। पटना समेत अन्य स्थानों पर फलों के बाजार में चहल पहल तो देखी गई, लेकिन खरीदारी के प्रति लोगों का उत्साह फीका था। खबरों के इस सफर में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एसडीएफ न्यूज।